बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने HTML का इंट्रोडक्शन किया, हेडिंग देना सीखा, बैकग्राउंड कलर देना सीखा और उसके बाद लाइन को ब्रेक करना सीखा। इंशाल्लाह आज हम टेक्स्ट की कंप्लीट फॉर्मेटिंग सीखेंगे और टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना सीखेंगे। मैं फैसल रहमान, और अगर आप HTML को स्टेप बाय स्टेप आसान वे से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, वेलकम आपको HTML के दूसरे लेक्चर में। तो इंशाल्लाह हम पिछले भी जो सारे टैग उनको रिपीट करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, और न्यू टैग को इंशाल्लाह आज मेंशन करें जिसमें हम फॉर्मेटिंग और साइज, फॉन्ट का साइज बड़ा करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग टैग यूज करेंगे, लेस देन HTML, और उसके बाद नीचे आ जाएंगे HTML, इसको हम क्लोज कर देंगे। HTML क्लोज, ये इसका फर्स्ट टैग हो गया स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट हेड, इसको बाद इसको साथ ही क्लोज कर देंगे हेड को। और उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है बॉडी। पिछले लेक्चर में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। और इसी बॉडी को हमने नीचे लास्ट पे ले आना, यहाँ क्लोज कर देना बॉडी को। ठीक है, अब इसके अंदर ही हमने कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी टाइटल देंगे, तो टाइटल के लिए स्टार्ट टाइटल, ठीक है, आके क्लोज टाइटल। इस टैग को जो भी स्टार्ट करना है उसको क्लोज भी कर दें साथ, ताकि टाइम जाया ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर टाइटिंग दे ले, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग ठीक है। अब इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन करके देखते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे और उसके बाद सेव पे जाएंगे, और यहां मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट, सेकंड लिख लेता हूँ, एंड डॉट HTML लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लिए। अब मैं ब्राउजर खोलता हूँ इसका, ये यहाँ से खोल लेता हूँ इसको, थोड़ा सा टाइम लेगा, ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, फॉर्मेटिंग के नाम से वेब पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो अब इसको बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए सिंपल स्पेस लेंगे, यहाँ लिख लेंगे BG कलर इक्वल येलो कर लेते हैं, ताकि जो भी टेक्स्ट लिखे थोड़ा वाजा नजर आए। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से Ctrl+S, इधर आ जाता हूँ Ctrl+R स्पीड के लिए। देखें दोस्तों, बैकग्राउंड कलर हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ फैसल रहमान। ठीक है, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ आल रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस मॉडल टाउन का, और उसके बाद AR सॉल्यूशन का। ठीक है, अब ये जो नीचे बॉडी है इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको
कोडिंग सही नजर आए, वाजिया। अब इसको मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ, वेब पेज पे आ जाता हूँ। अब कंट्रोल आर रिपीट करता हूँ, तो दोस्तों देखे जो टेक्स्ट लिखा था बॉडी के अंदर वो एक लाइन में आ रहा है। अब इसको मैं लाइन वाइज लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए BR होता है, जो कि मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी जो लोग पिछले लेक्चर में हमारे साथ अटैच नहीं हुए उनको आसानी हो जाए। तो उसके लिए हम BR टैग यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कर फिर BR इधर लिख लेना। उसके बाद इसको भी इधर मैं चाहता हूँ कि डबल लाइन स्पेस आए, तो मैं BR को दो दफा स्टार्ट कर लूंगा और क्लोज कर लूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, वेब पेज पे जाता हूँ और कंट्रोल आर करता हूँ, तो देखें दोस्तों लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट को बोल्ड करूँ, इटैलिक करूँ, अंडरलाइन करूँ। तो सबसे पहले मैं इसके लिए जो टैग यूज होता है बोल्ड के लिए, वो बी टैग यूज होता है। ठीक है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट में ले आऊंगा। अब जितने एरिया को मैंने बोल्ड करना, फर्स्ट करें मैं जस्ट फैसल रहमान को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो इधर क्लोज कर लूंगा इसी टैग को। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अब मैं इधर शो करता हूँ, अब यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखें फैसल रहमान बोल्ड हो गया। ठीक है, अब इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो इधर मैं स्टार्ट कर लूंगा। अब मैं फर्ज करें दूसरी लाइन को भी बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो बोल्ड वाला टैग है इसको मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। मैं सेकंड लाइन को भी बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्लोज करता हूँ इसको भी। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट पे बोल्ड, ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ क्लोज करना चाहता हूँ बोल्ड को। तो ये देखें यहाँ क्लोज बी क्लोज ब्रैकेट कंट्रोल एस, यहाँ कंट्रोल आर करूंगा, तो दोस्तों देखें पहली दो लाइनें जो है वो बोल्ड हो गई। ठीक है, तीनों लाइनें बल्कि बोल्ड हो गई, दो लाइनें। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो फैसल रहमान है उसका साइज जो बड़ा और उसका कलर भी चेंज हो, तो उसके लिए फॉन्ट टैग यूज होता है। तो देखें फॉन्ट लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद पहले मैं फॉन्ट लिख के स्पेस दूंगा, उसके बाद साइज लिखूंगा, उसके बाद जितना साइज फर्ज करें मैंने 18 रखना है साइज। ठीक है, ठीक है, उसके बाद साइज, उसके बाद कलर। ठीक है, कलर मैं रख लेता हूँ इसका रेड। ठीक है, उसके बाद क्लोज कर देता हूँ टैग को, और फिर मैं जस्ट फैसल रहमान को क्लोज करना, तो फॉन्ट पे इसको शायद जो फॉन्ट की फॉर्मेटिंग है उसको यूज करना, तो यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टार्ट फॉन्ट, ठीक है, क्लोज कर दूंगा यहाँ क्लोज फॉन्ट। ठीक है, क्लोज टैग। अब यहाँ से कंट्रोल एस करूंगा, अब यहाँ आ जाऊंगा, अब कंट्रोल आर करूंगा, तो दोस्तों देखें फैसल रहमान जो है वो उसका कलर भी जो हमने रिक्वायर रखा था 18 वो हो गया, और इसका कलर जो है सॉरी वो रेड हो गया, और साइज भी इंक्रीज हो गया। अब मैं सेकंड लाइन का ना रहमान इंस्टीट्यूट को फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ और टेढ़ा करना चाहता हूँ इसको ना, तो उसके लिए टैग यूज होगा स्टार्ट आई, उसके बाद क्लोज, उसके बाद फिर स्टार्ट फॉन्ट स्पेस साइज। ठीक है, आगे इक्वल साइज का रखना चाहता हूँ 14, फिर कलर बराबर है कलर इसका मैं रखना चाहता हूँ ग्रीन। ठीक है, आगे क्लोज, आगे इधर मैं क्लोज कर लेता हूँ इसके टैग्स को। ठीक है, सबसे पहले आई टैग को क्लोज करता हूँ क्योंकि टैलिक को इसको करना है, तो आई। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट टैग को क्लोज करता हूँ, ठीक है, अब कंट्रोल एस करता हूँ,
कंट्रोल आर करता हूं तो दोस्तों ये देखें सेकंड लाइन का कलर भी चेंज हो गया है और इटैलिक हो गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड लाइन को हम जो तीसरी लाइन है उसका कलर भी हम चेंज करना चाहते हैं, उसको टैग लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखें सबसे पहले आ गया अंडरलाइन टैग, तो यू उसके लिए यूज होगा। उसके बाद सेकंड टैग फॉन्ट, फॉन्ट ठीक है, आगे स्पेस साइज ठीक है बराबर है, चलें 18 या 16 ही रख लें इसका। ठीक है, फिर कलर, कलर मैं इसका रख लेता हूँ रेड ठीक है, या ब्लू रख लेता हूँ। ठीक है, आगे इसको क्लोज करता हूँ टैग को, अब एंड पे भी इसको क्लोज कर देना, यहाँ पहले मैंने इटैलिक शो किया था तो इसको क्लोज करता हूँ आई को, आई वाले टैग को। उसके बाद फॉन्ट को क्लोज करता हूँ ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और सेकंड टैब पे जाता हूँ, अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो दोस्तों ये देखें एआर सिलेक्शन डेस्क का जो अंडरलाइन भी हो गया और उसका कलर भी चेंज हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने स्क्रीन फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को सीखा है, बोल्ड करना सीखा है, इटैलिक करना सीखा है, अंडरलाइन करना सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आप एचटीएमएल को सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।